कैसे आ जाएगी सरकार में? 5 साल हो गए और 5 रुपए तो रह चुके हैं, आज तक राशन कार्ड तक नहीं बने। बीजेपी की बननी चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी भी, बीजेपी 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 कहते हैं वो आने वाले 5 साल में खत्म हो जाएंगे जिस किसी की भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा से आएगी। अब ये नहीं बता सकता सरकार किसकी आएगी, ये तो अंदरून मामला है। पसंद किस, पसंद मैं उसे करता हूँ जो पब्लिक के काम आए, जो राजा सारी पब्लिक के काम आता है, जिन दिलों को जोड़ता है उसे मैं पसंद करता हूँ, जो पब्लिक को अलग करता है, दिलों को अलग करता है उसे मैं पसंद नहीं करता। विधानसभा में है, आज तृतीय चरण है, चुनाव चल रहा है, यहाँ पर कुछ महिलाएं वोट डालकर आई हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे, किस आधार पर उन्होंने वोट डाला। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी खुशबू। खुशबू वोट डाल के आई हो, क्या आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कहाँ दिखाओ कैसा है? अच्छा तो ये वोट डालकर आई हूँ, किस वोट किस आधार पर डाला? मैं बस कुछ नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे लोग आगे बढ़ें, कुछ करें, पढ़ें, पढ़ने में होशियार हो। तुम पढ़ते हो? पढ़ती हूँ। और क्या क्या कर रही हो? बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हो तो तुमने ये वोट डाला है, कुछ समझ से लोग सोचते हैं हमारी सड़कें बने, नल और भी जो भी जॉब पढ़ाई, क्या सोच कर आपने वोट जिस पार्टी को भी दिया हो क्या सोच कर दिया? मैं चाहती हूँ बस ये बच्चे जो हैं इनकी पढ़ाई बंद हो चुकी है, ये पढ़ाई जारी रहे, ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, इनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। तो किस सरकार से, किस सरकार से कहना चाहती हो बातें? किस सरकार से? कौन सी सरकार आनी चाहिए वैसे, क्या सोचते हैं आप? कौन सी सरकार? मायावती बहन जी। मायावती बहन जी आ रही है और क्या। तो ये अभी वोट डाल के आई, ये भी और खड़े हुए हैं, ये सब वोट डाल के आए हुए हैं। चाचा जी आप वोट डाल के आए कि नहीं? डाले आए, वोट को डाले आए। किस पर डाला? अरे यूं ही जत रहा था, चाचा को मिटा दो। बताओ किसकी बन जाएगी सरकार? तो बीजेपी की बन जाएगी बना लेगा सरकार, बना ले गंजा बहुत तेज है, बना लेगा वो योगी आदित्यनाथ, गंजा बहुत तेज है वो बना लेगा, पैसे के बच्चे पैसे बनते। अच्छा योगा रब, वैसे इस सरकार में सुरक्षित हो कि नहीं हो? क्या सुरक्षित नहीं है, सब सुरक्षित है, कोई वो नहीं। कुछ फायदा कोई फायदा ना, फायदा तो हमें कुछ ना, आज तक कैसे आ जाएगी इसको सरकार में? 5 साल हो गए और 5 रुपए तो रह चुके हैं, आज तक राशन कार्ड तक नहीं बने। राशन तो मिल रहे, राशन दो बार तो राशन कार्ड भी ना मिला हो कहते। आप गए कहीं शिकायत? अरे सैकड़ दफे शिकायत, 5-5 दफे ऑनलाइन कर दी, 5 दफे ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, वैसे आप बहुत साल हो गई वोट देते देते, वैसे आपको किसकी सरकार, कौन सा शासन अच्छा लगा? शासन सब बढ़िया है, कांग्रेस से सब नीचे आएंगे, कांग्रेस वो और कांग्रेस सब नीचे, सब ये भाई के दाता है, उसी के ये निकले भैंस सब। अब जिया एक बाप के 4 संतान है, 4 अलग-अलग वो करते हैं अपने अपने मत से, उसको पूछते नहीं है कोई भी। जन्मदाता तो कांग्रेस है, कांग्रेस ने सब निकले बहन जी, सब जितने भी नेता है सब कांग्रेस के निकले में बने चाहे कोई को। अब कांग्रेस कुछ दिखा क्यों नहीं पा रही उत्तर? जब बाको आवे को चार्ज तब आवे दिखावेगी। अब अरे कैसी बातें कर रही है यार, बताओ आने वाले 10 साल में हाँ 10 साल में आवे, 20 साल में आप कांग्रेस का शासन आएगा ये मैं लिख के देता हूँ। अरे हमें मत जाएंगे मत जाएंगे। अच्छा अच्छा, कांग्रेस में ऐसा क्या अच्छा लगा था? सब काम बढ़िया था कांग्रेस में, शासन बढ़िया उसका, पूछ लिया था क्यों बढ़िया, आज तक किसी ने भी रेल का चक्का जाम नहीं किया जो कि जाने करवाए दो मोदी ने, किसी के मुंह पे बैरों के और उनके मुछी का लगते थे वो आदमी के मुछी का लग गए, मलबे बारे तो भैया जब जब काचल की बीमारी एड्रेस जिसको क्या कोरोना कोरोना वो मरे, लेकिन जा समझो मलबे बारे को न कोरोना रोक पा रहा और न कोई बैसो डॉक्टर रोक पा, बाकी आगे तब तो मरे गो क्या है? कांग्रेस इन पर ध्यान नहीं देती, मर जाओ मतलब कांग्रेस कोई मतलब नहीं, तो जो कौन तो ध्यान दे रही है मेरे को, जाको का ध्यान मगो ये मर हॉस्पिटल में क्या मर कह रहे जे कोई मर होता कोई रोक पावे नहीं, जो मर रहा होता रोक पावे नहीं, ना रोक पाई, मरना जिसको मरना उसको मरना है,
लिखे हुआ है, लिखे देखे थे, इनको कोई नहीं मिट पाएगा। अच्छा, और इसने क्या कर दिया है? किन ने? बीजेपी ने जो चला है। बीजेपी तो बहुत कजू कर रही है, राशन दे रही है, गुप्ते दे रही है, घी बांट रही है, और काटी है पब्लिक को, जी चाहिए खूब नाच मिला खा पी मौज। तो आप इसको खराब बता रहे हो, कांग्रेस को अच्छा बता रहे हो? अरे हमारी बात ही ना तुम समझ, दुनिया की बात है, इन बातों से कोई मतलब ना, खिलवा दिमागे तो हम जीना खाते ही। वे तो ए सी में बैठे हुए तो उन्हें तो सामने को बुआवते रहते हैं कि अपनी मात्र कलम। तो आज हाथ के पंजे वोट दे के आए ना? मैं ना जा रहा हूँ हाथ के पंजे पे। जो तुम पसंद भी कर रहे हो जी, तो कल आप बात भाई, अब हमारे अकेले क्या चलेगी भैया, जब एक संधि का बजे आई सोचो कसाई मिले में। तो अच्छा, एक एक वोट से ही सरकार बनती है? अपने तो कैसे, तो हम कहते हैं तो बनेगी सरकार, तो बाकी बनेगी सरकार तो बनेगी सरकार तो बाबा की बनेगी, बाबा में कोई ना तो बाबा सरकार। आप बताइए बीजेपी की बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी भी, बीजेपी बीजेपी क्यों? बीजेपी बीजेपी इस कोई और कोई नेता नहीं है बीजेपी के अलावा। आप बताएं बाबा, क्या आपको सरकार आज जय सरकार आ रही है? कौन सी कांग्रेस कह रही है? कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी? पार्टी अभी बाबा कह रहे हैं कि जो योगी जी थे उन्होंने ऐसा किया, ऐसा आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी आनी है। क्यों बीजेपी आएगी? योगी जी आने चाहिए। क्यों योगी? उन्होंने सब कुछ किया है हमारे लिए, सारे गुंडागर्दी योगी ने, योगी बाबा ने जो है खत्म की है। लेकिन बाबा दुखी है, लोग कह रहे हैं कि बाबा ने, हर आदमी पूर्ण नहीं है, हर आदमी पूर्ण नहीं है, अपने घर में आदमी पूरे परिवार को इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो योगी बाबा एकदम से पूरा जो है देश अपना उत्तर प्रदेश कैसे कर देंगे? धीरे धीरे समय लगेगा उनको, अभी 5 साल में नहीं है, आगे आने वाले 5 साल में आप उनके उन्हें अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो ये सारी जो बातें कर रहे हैं लोग ये भी बंद करना, बंद कर देंगे ये सारी बातें कहना। रह जाती हैं थोड़ी बहुत शिकायतें, ये थोड़ी बहुत जो शिकायतें हैं वो आने वाले 5 साल में ख़त्म हो जाएंगी जिस किसी की भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा से आएगी। जी बताइए, सरकार किसकी आ रही है? जी सरकार किसकी? सरकार किसी की आए? सब वोट डाल दिया, वोट डाल दिया तो किसका सरकार? अब किसी को डाला, सरकार किसी की आए, लेकिन पब्लिक तो परेशान है, गायों से परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, बताइए कहाँ जाए क्या करे? आम आदमी के लिए 2 टाइम की रोटी और सब्जी जुटाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, जूते पे GST लगा दी, कपड़े पे GST लगा दी, पेट्रोल डीजल, यहाँ बताए किसानों की आय दोगुनी हो गई, बताइए आप किसानों की दोगुनी आय कहाँ से होगी? जो खेत 500 रुपये में जुता था वो आज 1500 रुपये में जुताई हो रही है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी वजह से जनता त्रस्त है, परिवर्तन हो रहा है, अब देखें क्या होता है। ये तो पब्लिक है, क्या करती है पब्लिक है, लेकिन जानती सब कुछ है। अच्छा, अभी परिवर्तन नहीं होगा, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, ये पक्का है? ये मुल्ला जी मैं लेके आया हूँ अपने साथ। क्या बताओ किसकी सरकार आ रही है? अब ये नहीं बता सकता सरकार किसकी आएगी, ये तो अंदरून मामला है। पसंद किसको? पसंद मैं उसे करता हूँ जो पब्लिक के काम आए, जो राजा सारी पब्लिक के काम आता है, दिलों को जोड़ता है, उसे मैं पसंद करता हूँ। जो पब्लिक को अलग करता है, दिलों को अलग करता है, उसे मैं पसंद नहीं करता। अच्छा मुल्ला जी, जैसे अभी भाजपा का नारा का सबका साथ सबका विकास, हमने सबको मकान दिए बिना भेदभाव के दिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं, ले जनता जानती है ये तो क्या कर रही, वो तो अपनी पार्टी का, हर आदमी अपनी पार्टी का वो करता है, तारीफ करता है, बाकी ये थोड़ी मालूम है पब्लिक को। माने जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि किस किस क्या ऐसा भी हुआ, क्या ऐसा भी हुआ है कि ये मकान है हिंदुओं को दे दिए गए, मुसलमानों को नहीं दिए गए, ऐसा भेदभाव तो नहीं हुआ इस सरकार में? हुआ है ऐसा भेदभाव हुआ, लेकिन मकानों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो कुछ मिला नहीं है, मैं बताऊँ आपको। अच्छा, विपक्ष कह रहा है हमने गैस सिलेंडर दिए उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया, सबसे ज़्यादा मुस्लिम को ही इसका फायदा मिला है, ये कुछ नहीं है, सब अपनी पार्टी के लिए सर करती, अब भी हम अपने काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ तो अपने काम कर। अच्छा मुल्ला जी, वोट डाला कि नहीं डाला यहाँ पर? वोट है, वोट मेरा 10 तारीख में पड़ गया। अच्छा 10 तारीख में पड़ गया, विधानसभा छर रहा है मेरी। तो वहाँ किसको सरकार बना, वैसे क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आ रही है? वैसे वहाँ तो ज़्यादा सपा का ज़्यादा जोर है, धनगर खड़ी है लक्ष्मी धनगर सपा का। प्रदेश में हवा तो कुछ लग रही होगी किसकी सरकार है, ये तो कुछ हाँ हवा बदला है, बदलाव हुआ है, बदलाव अभी का हो रहा है। हाँ बदलाव हो रहा है, जोर ज़्यादा सा लग रहा है, लेकिन अब ये अंदरूनी मामला है, पता नहीं किसकी सरकार आए, और हम तो उसी सरकार से खुश हैं जो सारी जनता के। अच्छा मुल्ला जी, एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे ओवैसी जी कह रहे हैं जो भी पंजाब का मामला आया था,
आप जानते होंगे कि जो बुरखा पहनते हैं, तो वो स्कूल में जो लड़कियां जा रही थी वो पहन के गईं, तो सरकार ने रोका स्कूल वाले ने कि आप ड्रेस कोड में आइए, सभी चाहे गरीब हो चाहे अमीर चाहे किसी धर्म का हो, एक ड्रेस होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमारा धर्म है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है बुरखा हमारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, राजनीति और धर्म अलग है। राजनीति को अगर धर्म में मिलाएंगे तो उसका परिवर्तन नहीं होगा। शरीयत ये कहती है, हमारा कुरान ये कहता है कि औरत का पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, बेपर्दा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ तक लिखा है कुरान में कि भाभी को देवर से पर्दा करना चाहिए, जेठ से इतना पर्दा नहीं है बल्कि देवर से पर्दा है देवी को। जिस तरीके से लक्ष्मण जी ने सीता जी का मुंह नहीं देखा, जब नथनी गिर गई थी तो जब नथनी दिखाई गई कि ये नथनी मुझे नहीं मालूम किसकी है, मैंने सीता जी का आज तक मुंह नहीं देखा। बोला जी, एक संविधान और धर्म में परिवर्तन अलग अलग है। धर्म अलग, काम नहीं, देश संविधान से चलता है। के मामले में बोलना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये बातें हिजाब उनको अपनाना है और इधर शिक्षा भी लेनी है, शिक्षा अलग चीज़ है, हिजाब अलग चीज़ है। हिजाब में जाना है उन्हें तो अपने कॉलेज से बाहर जाएं और उसको अपने बैग में रखें, वहाँ यूनिफॉर्म में जाएं, वहाँ उसको शिक्षा को ग्रहण करें और उसके बाद बाहर निकल दी कैंपस से तो हिजाब को पहन के। आपका कहने का मतलब कि क्लास में गरीब अमीर धर्म अलग अलग दिखाई दे, ड्रेस कोड में एक ही लगे। ड्रेस कोड क्यों होता है? कोई तो आदमी 1000 रुपये का अपने बच्चे को पहनाता है और कोई 300 का है। स्कूल की ड्रेस कोड सेम होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, न धर्म में, न जात में, न पैसे में, न गरीब में। अच्छा मुल्ला जी, अभी इनकी बात सुनी थी कि ड्रेस कोड एक होना चाहिए, गरीब अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम में क्लास में बच्चे बैठे वो फर्क नहीं होना चाहिए, और इधर फिर शरीयत कहती है कि पूरा अंग ढका होना चाहिए, तो फिर कैसे तालमेल बनेगा? नहीं, अब ड्रेस कोड जैसे वहाँ एक कमरे में है तो वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उतार देना चाहिए, रहना चाहिए वहाँ तो उतार देना चाहिए आपको, पर्दा उस वक्त भी रहना चाहिए उसे, पर्दे के लिए फिर कहूँगा फिर पर्दा तो मुंह पे वहाँ भी रहना चाहिए उसके पे, चाहे ड्रेस भले ही उसका हो लेकिन चेहरे का मुंह छुपा रहना चाहिए। अच्छा फिर अलग अलग नहीं होगा वहाँ पर, मानो अन्य धर्मों की लड़की। मुल्ला जी एक बात होगी कि जैसे अन्य हिंदू की लड़कियाँ वो चेहरा खोले होंगी, वो मुंह ढके होंगी, तो वहाँ पर अलग फर्क हो जाएगा, मुस्लिम हिंदू का अलग हो जाएगा। शरीयत को मानूंगा लेकिन शरीयत में पर्दा मैं नहीं कह सकता हूँ। तो फिर शरीयत के कारण पढ़ाई छोड़, पढ़े चाहे न पढ़े उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। शरीयत जरूरी है, एजुकेशन कंपलसरी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, संविधान क्या है? पूरे देश को संविधान चलाता है, संविधान में ये लिखा है उसको लागू कर रही है गवर्नमेंट हो, शिक्षा विभाग हो, कुछ भी हो। अच्छा उसमें अगर तकलीफ आती है तो उसमें बदलाव करना चाहिए। ड्रेस कोड में कोई तकलीफ नहीं है, किसी धर्म को, किसी जात को, किसी बिरादरी को दिक्कत नहीं है, तो ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से जो उनका मुद्दा अहम है, जो उनके हित सुरक्षित हैं जिसमें, उसको उनको मानना चाहिए, सरकार को अपने काम में उसमें सरकार को काम करना चाहिए। अलग अलग होना चाहिए, नहीं उसका स्थान अलग होना चाहिए। आप अपने घर में अपनी चला सकते हैं, ड्रेस में ही आना पड़ेगा। फिर शरीयत की प्रसाद शहरियत की बात हो रही है कि वो तो चेहरा दिखना नहीं चाहिए, तो बड़ा कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है यहाँ पर। अगर शिक्षा लेनी होगी तो परिवर्तन लाने होंगे, संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। मुल्ला जी ये कह रहे हैं कि पढ़ना होगा तो संविधान के अनुसार ही चलना होगा, चेहरा देखे ना देखे। मैं नहीं कह सकता इस बात को, वो पढ़े या ना पढ़े, मैं शरीयत वो धर्म का बहुत मजबूत हूँ अपने का। नहीं पढ़ाई नहीं होगी तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? हम अपने बच्चों को पढ़ाया है, ऐसी गई हैं बुरका ओढ़ के, भाई के साथ गई हैं, वहाँ से पढ़ के आई हैं, BSc MA किया है, बाकी इंटर भी किया है लड़कियों ने, पढ़ा है। ये चुनाव के टाइम पर मुद्दा ज़्यादा गरमाया। ऐसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि धर्मों को बहुत सुरक्षित रखा है अपने देश के संविधान में, सभी धर्मों का ख्याल रखा गया है। धर्म निरपेक्षता है हमारे उसमें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया धर्म निरपेक्षता है, तो वो उसके धर्म को मानते हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, मानने तो अच्छी बात है। लेकिन धर्म कुछ नेता मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि उन्हें रोका ना जाए, वो क्लास में भी अंदर बुरखा पहन के जाएंगी, तो फिर धर्म कहाँ रहा, फिर ये कानून संविधान? कहने वाली बात यह है, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ, अगर उनको एजुकेशन मतलब प्रिफ्रेंस देना है तो वहाँ ड्रेस कोड में जाना पड़ेगा, और अगर वो उसको प्रीफ्रेंस नहीं दे रहे हैं तो उनकी मर्जी की बात है, शरीयत को मानिए। एजुकेशन देना है ना, कि धर्म को वहाँ कर रहे हो, एजुकेशन लेने जा रहे हैं ना, कि धर्म की बातें करने जा रहे हो।
अब जैसे वहाँ मदरसे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ड्रेस कोड चलता है वहाँ तो सेम ही जाना पड़ता। तो आप सब वोट डाल के आए हो अब की बार भाजपा सरकार बीजेपी? आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी 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 की एक बात और है। क्या खास बात है? खास बात है गुंडे माफियाओं का रोड से ही पलायन हो गया है। बहस नहीं चाहिए इस रोड से। अरे दो तीन बहस तो डाल ले गए हम नाइट में ही, आज भी ले गए अभी। अरे अरे नहीं, जब से बुलडोजर वाली सरकार आई है तब से कैसे चला जाएगा। अब बुलडोजर बाबा की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा, बाबा की सरकार में ना हो रहा है ना, मुझे लगता है कि आगे भी नहीं होगा। 260 क्रॉस हो रहा है, 260 क्रॉस हो रही है। हाँ 260 क्रॉस हो रही है, ये पक्की बात है। तो आप बताएं बीजेपी सरकार, बीजेपी लगता टूंडला क्या बीजेपी में ही पूरा है? टूंडला ज्यादातर देख रहे हैं बीजेपी की बात चल रही है। आप क्या कहेंगे? हम भी कह देंगे बीजेपी में हो गया। नहीं कह देंगे या कह रहे हो सभी पार्टी सबको देख कर रही? तुम क्या चाह रहे हो? सब अपनी अपनी सुविधा, मुल्ला जी ने कहा अपना कहा, इन्नो कहा अपना कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? इतना तो राजनीति में जानता नहीं हूँ। डाला है वोट? वोट डल गया। अच्छा तो वैसे हम ये नहीं पूछें किसको वोट दिया, लेकिन किस आधार पर वोट दिया था? आप क्या चाहते हो सरकार से? क्या मैं इतना जानता क्या चाहता क्या नहीं, कुछ तो चाहते हो कि सरासन मिले, पढ़ाई अच्छी हो, क्या ऐसा सोच के? इतना नहीं जानता। राशन ले रहे हो? राशन हमारे पास कुछ नहीं है। राशन मिलता ही नहीं है? कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने एक चीज और देखी, सरकार में कि कभी भी अब गरीब भूखा नहीं मर सकता, गरीब भूखा नहीं सो सकता इस सरकार में। मैंने ये देखी है और पूरा तुरंत हैंड टू हैंड एक दिन में काम हो रहा है, राशन कार्ड तुरंत बन रहा है। इनको कहाँ मिल रहा है अभी? ये पापा बोल रहे थे कि राशन कार्ड नहीं, इनको तहसील तक जाना पड़ेगा, इनको डीलर तक कागज लेके जाना पड़ेगा। कागज राशन तो मिलता नहीं है, कार्ड बना नहीं है। मेरा कार्ड नहीं बनाया, बनवाया नहीं, नहीं पापा का बना हुआ कार्ड मेरा नहीं। शादी नहीं हुई तुम्हारी? शादी तो हो गई मेरी। राशन चाहिए? बहुत चली गई। किस बात का? अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की क्यों? क्यों सर, उसने गुंडा माफिया को सब पलायन कर दिया यहाँ से। कहीं में गुंडा माफिया का कहीं नाम निशान नहीं है। ये कहाँ चले गए गुंडे माफिया? सब पलायन कर गए, कुछ मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ उन्होंने गुंडागर्दी छोड़ दी। अगर भाजपा सरकार रहेगी तो ये गुंडागर्दी ऐसे ही चली जाएगी, सफाई हो जाएगा, आम आदमी बढ़िया तरह जिएगा, अच्छी तरह रहेगा। क्या लग रहा है आप सरकार किसकी आ रही है? सर यहाँ तक उम्मीद है भाजपा की सरकार है अब की बार, और बीजेपी सरकार 300 प्लस आएंगे। 300 प्लस भाजपा सरकार। सरकार किसकी? अखिलेश की? 24 नहीं चाहिए, 24 नहीं चाहिए, 24 नहीं चाहिए भाजपा सरकार। योगी जी 300 पार, योगी जी 300 पार। तो ये कहना चाहूंगा कि 300 यूनिट फ्री तो वो लाभ कम लोगों को मिल पाएगा, और 600 यूनिट में 300 फ्री, 600 यूनिट में 300 फ्री तो ये सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। नेताजी आइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार अब की बात किसकी सरकार है? सरकार बाबा की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हल्ला करने वाले हल्ला करते रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं। बाबा की सरकार बहुत अच्छी चली, थोड़ी बहुत गलतियां हुई आती हैं। एक बाबा बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, बाबा की सरकार तो देखो, दोनों देखो बाबा है अभी तो देखा, कांग्रेस का जमाना देखा है, कांग्रेस का जमाना बाबा ने देखा है। वो बोल रहे हैं तो टूटी लंगड़ी घोड़ी हो जाती है, वो टूटी घोड़ी हो गई है ये तो कह रहे हैं, लंगड़ी घोड़ी हो गई कांग्रेस को। फिर आपका उम्मीद इधर देखो, हिंदुस्तान देख रहा है आपका। अच्छा फेस तो दिखा दिया आपने, इधर कैमरा मान लो। नहीं नहीं क्या जावे, कोई आपको बोली कर रहा है, आप तो अपना अनुभव बता रहे हैं। सुनो मेरी बात, देखो मैं अब बाबा की भैंस यहाँ से ले गए थे, छोटी कई शासन में रह गए, बीजेपी शासन में यही तो कुछ नहीं। बीजेपी बीजेपी में इतने साल पहले है कि कम से कम तो दो ढाई तीन साल करीब आएगी, तीन साल करीब आएगी। आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे कि चोरी बंद हो गई बाबा तो 2.5 साल पहले। चोरी नहीं, कोई चोरी नहीं आई, नहीं 5 साल पहले सपा सरकार में चोरी हुई थी। बाबा की भैंस के लिए 6 साल हो गई तो बाबा ऐसा सपा सरकार में हुई चोरी? सपा सरकार में चोरी हुई थी, सपा सरकार में हुई थी। खैर बाबा से जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। ये टूंडला में आज चुनाव चल रहा है, ये लोग वोट देकर अपना आए हैं,
इनसे इनकी हकीकत इनकी अंदर की बात पूछी कि किस आधार पर आपने वोट दिया, तो किसी ने अपने विकास के आधार पर, किसी ने धर्म के आधार पर वोट दिया अपना, और ये अपनी सरकारें चुनाते हैं जैसी हैं। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट, हम आपको चुनाव की हर अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।